नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल रहे हैं। इसी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी का पुरजोर समर्थन करते हुए संकेत दिया कि सरकार 2024 के चुनाव से पहले लंबित मुद्दे को प्राथमिकता दे सकती है। उसके बाद से ही देश में तसरी पटकने का जोर देखा जा रहा है। अवार्डी गैंग से लेकर रोती मीडिया, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों से लेकर वोटों के भेड़िया, सभी बुरी तरह से तिलमिला गए हैं। समान नागरिक संहिता सभी धर्मों के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को एक समान संहिता रखने का विचार है। व्यक्तिगत कानून में विरासत विवाद, तलाक, चाइल्ड कस्टडी और गुजारा भत्ता जैसे पहलू शामिल है। हालांकि वर्तमान में भारत के व्यक्तिगत कानून काफी जटिल और विविध है। प्रत्येक धर्म अपने विशिष्ट नियमों का पालन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनसे संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित है। इसका मतलब यह है कि इस बार संविधान या जिसे एक तबका आईन कहता है खतरे में बिल्कुल नहीं है, जबकि यही तबका संविधान और लोकतंत्र के नाम पर चीखे मारकर अब तक कई बार अपना गला खराब कर चुका है। साफ मतलब यही है कि जहां अपने हितों को लाभ मिले वहां संविधान जिंदाबाद होता है, और जब संविधान हद में रहने का निर्देश देता है तो इनका मजहब कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाता है। अच्छी बात यह है कि देश के संविधान निर्माताओं ने पहले अनुमान लगा लिया था कि भविष्य में देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पड़ेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताता रहा है। यह बोर्ड दलील देता है कि संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जीने की अनुमति देता है, लेकिन यह संहिता धर्म परिवर्तन नहीं करती है, बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून को लागू करने से संबंधित है। जब भारत का ज्यादातर समुदाय एक कानून को मानता है तो एक तबका अपने ही धार्मिक कानूनों के हिसाब से चलना चाहता है, जो कि 21वीं सदी के भारत में नामुमकिन है, क्योंकि इसी मानसिकता के चलते भारत अपने विभाजन की पीड़ा अब तक सह रहा है। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। फिर यह कहने की किसी की हिम्मत नहीं होगी कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है। इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी ताकि वह कम से कम ग्रेजुएट हो जाए। बगैर रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधा बंद हो जाएगी, क्योंकि जब सरकारी खैरात बटती है तो दूर दूर तक काली लाइनें सबसे ज्यादा दिखाई देती है। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। जनसंख्या पर नियंत्रण और बहुविवाह लगभग खत्म हो जाएगा। अब जरा उन देशों के बारे में भी जान लीजिए जहां दशकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इन देशों में किसी का मजहब अब तक खतरे में नहीं पड़ा है। यूसीसी वाले देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, जहां गैर मुस्लिमों को देश के कानून के हिसाब से अधिकार दिए गए हैं। इनके अलावा इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है जो वहां रहने वाले सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। कई मुस्लिम देश जहां कई शादियों पर रोक है, इनमें तुर्की सबसे प्रमुख है। इसके अलावा इराक, सीरिया, मिस्र, मोरक्को, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरी शादी कोर्ट के अधीन है। ईरान और पाकिस्तान जैसे देश में यदि कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे अपनी पहली पत्नी से इजाजत लेनी होती है। वहीं मलेशिया में निकाह के लिए पत्नी के साथ सरकारी एजेंसी की भी मंजूरी जरूरी है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सही मायनों में देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए संविधान एक मजाक है। ऐसे लोग सिर्फ अपने वोट बैंक को सबसे बड़ी ताकत समझते हैं।
और इसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक से अधिक शादियां और अनगिनत बच्चे पैदा कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता उनकी इसी पॉलिसी पर बड़ी चोट है। बांग्लादेश, मलेशिया, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, कुवैत जैसे मुस्लिम देशों ने बहुत पहले ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन भारत में 2018 में ही ट्रिपल तलाक बैन किया गया है। जिस तरह ट्रिपल तलाक पर कुछ लोगों ने दांत निपोरे थे, यूसीसी पर भी थोड़ी उछल कूद जरूर दिखाई जाएगी। लेकिन भारत को यदि भविष्य की महाशक्ति बनाना है तो सभी का एक समान कानून के दायरे में आना जरूरी है, क्योंकि एक देश में दो अलग अलग कानून उसकी अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। देश को एकजुट रखना है तो समान नागरिक संहिता का लागू होना बेहद जरूरी है। अब उछल कूद और वोट बैंक के दिन नहीं रहे हैं, बल्कि यह दौड़ने का वक्त है। दुनिया अभी भी हमसे काफी आगे चल रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।